क्या आपके दिमाग में है कन्फ्यूजन कि मुझे क्लाउड स्टोरेज लेनी चाहिए या फिजिकल एक्सटर्नल स्टोरेज लेनी चाहिए? आज के इस डायरेक्ट दर्शन के इंटरव्यू में इसी बारे में चर्चा करेंगे। किसके साथ? मिस्टर डिशल के साथ। मोबाइल इंडियन और मैं हूं संदीप। और जैसे कि आपको बता चुके हैं कि आज के इंटरेक्शन में हम बात करेंगे एक्सटर्नल आर्टिस्ट के बारे में, और किससे? वेस्टर्न डिशल से। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं खालिद। हाय खालिद, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सो खालिद, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये उठता है कि आप थोड़े टाइम पहले बात कर रहे थे हम लोग, आपने मुझे कहा था कि दुनिया भर का 50% डेटा आपके डिवाइसेस से गुजरता है। कैसे? बिल्कुल। यू नो, ये अच्छी इंटरेस्टिंग सवाल से आपने ये अपना शो शुरू किया, बिकॉज इससे मुझे ये भी मौका मिलेगा कि आपके दर्शकों को ये बताए कि वेस्टर्न डिजिटल करता क्या है। जी, अगर आप वेस्टर्न डिजिटल को एज ए कंपनी देखें तो वेस्टर्न डिजिटल ग्लोबली दुनिया में सबसे बड़ी डिजिटल स्टोरेज कंपनी के तौर पे है। जी, स्पेशली जब से हमने लास्ट कुछ साल से हम लोगों ने कुछ मर्जर्स और एक्विजिशंस किए, जैसे हमने सैंडिस्क जैसे ब्रांड को एक्वायर किया, हमने हिटाची के स्टोरेज को एक्वायर किया, उसके बाद जब आप वेस्टर्न डिजिटल का एक पूरा पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स देखें तो यू नो, स्टोरेज की लैंग्वेज में कहूँ तो स्टोरेज में हम डिफाइन करते हैं एज टू कोर स्टोरेज है कि एज पे जो आप जैसे कंज्यूमर लेवल के लोग बैठे हुए हैं, जैसे आप और मैं हैं, अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और फ़ोन में हमारे स्टोरेज लगी हुई है, फिर हम एक्सटर्नल स्टोरेज फ़ोन के लिए माइक्रो एसडी यूज़ कर रहे हैं या यूएसबी यूज़ कर रहे हैं अपने डिवाइसेस के लिए, या फिर आप कोर में जाएं तो आप देखें बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पे क्लाउड स्टोरेज इनेबल हो रहा है। ये डेटा सेंटर्स में जो डिवाइसेस यूज होते हैं स्टोर डिजिटल डेटा स्टोर करने के लिए, तो वो सारे डिवाइसेस जो हैं आप देखें 50%, जैसे हमने कहा कि 50% के आसपास जो डेटा है वो हमारे डिवाइसेस के थ्रू होके जाता है। हमारे पोर्टफोलियो एक एज प्रोडक्ट लाइन से लेके कोर प्रोडक्ट लाइन के बीच में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम वेस्टर्न डिजिटल एज अ कंपनी प्रोवाइड करते हैं। भाषा में बोले तो एक कंज्यूमर अगर इरिस्पेक्ट टू द डिवाइस वो यूज कर रहा है, आपका उनके लिए प्रोडक्ट्स हैं हर एक रेंज में। बिल्कुल। और इसीलिए आप कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50% डेटा आपके डिवाइस से गुजरता है। बिल्कुल। तो खाली अगला क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम भारत की बात करें, भारत में अभी भी हमें ज्यादा लोग दिखते नहीं है एक्सेप्ट फॉर हार्ड कोर प्रोफेशनल्स जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज कर रहे होते हैं अपने स्टोरेज नीड्स के लिए। ज्यादातर क्लाउड यूज करते हैं, पेन ड्राइव कर रहे होते हैं या मेमोरी कार्ड्स में डेटा स्टोर कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है? देखिए, इंटरेस्टिंगली अभी कुछ महीने पहले हमने एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च अंडरटेक की। उस रिसर्च का मकसद ये था कि हम कंज्यूमर बिहेवियर अंडरस्टैंड करें कि कंज्यूमर्स का बिहेवियर उनके बैकअप को लेके, उनके डेटा को लेके क्या है। इंटरेस्टिंग चीज़ें उस रिसर्च में सामने आई। उसमें एक चीज़ जो उभर के सामने ये आई कि कंज्यूमर जो है एक दो में से एक कंज्यूमर जो है पार्शियल बैकअप लेता है अपने डेटा का। जी, राइट। और पांच में से एक कंज्यूमर ऐसा है जो बैकअप बिल्कुल लेता ही नहीं है अपने डिवाइसेस का। और आइडिया ये था कि जब एक कंज्यूमर का बिहेवियर ऐसा है, ये लैपटॉप से जुड़ा हुआ है, ये पीसी से जुड़ा हुआ है। इंटरेस्टिंगली बात ये थी कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये भी अंडरस्टैंड करना था कि ऐसा कंज्यूमर क्यों करता है। रिसर्च में बात यह आई कि कंज्यूमर को लगता है कि डेटा बैकअप करना एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, कॉम्प्लिकेटेड काम है, बहुत कंबरसम काम है, बहुत उसमें टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी टू कॉन्स्टेंटली डू दैट। बट उसी की वजह से हम लोग जो आज बात कर रहे थे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की, खैर उस पर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हमने क्या किया उस रिसर्च के साथ और किस हिसाब से हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो ये एड्रेस कर सके। तो आपका जो बेसिक सवाल था ये अब बैकअप को लेके यही था कि कंज्यूमर की मेंटालिटी है कि यू नो, बहुत कंबरसम है, कैसे करें क्या नहीं करें। और उसको रिलेटेड चीज़ ये भी है कि डेटा बैकअप की वजह से लोग कितना नुकसान कर जाते हैं। जी, क्योंकि जब ये डेटा अगर लूज हो जाता है तो उसको रिकवर करना कितना, लेकिन कितना एक्सपेंसिव। सवाल ये उठता है कि मैक्सिमम कंज्यूमर्स जिनसे हमारी बात होती रहती है
वो लोग ये कहते हैं कि हमें कुछ एक्सटर्नल डिवाइस की जगह क्लाउड ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, हम कहीं पर किसी भी लोकेशन पे होंगे, हम वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं एंड इवन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिवाइस। और हार्ड डिस्क ले लेंगे या कुछ लेंगे तो कैरी करना पड़ता है एक एक्स्ट्रा डिवाइस, इस पर आपको क्या लगता है? देखें, अगर आप नया पासपोर्ट देखें पहली तो बहुत स्लीक है, आपके आपके टॉप पॉकेट में चला जाता है। दूसरा आपका सवाल जो था, पहला आपका जो मेन सवाल था वो था कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिस पे क्या क्या सिचुएशन है जो कंज्यूमर्स को वो कंफर्टेबल लगता है। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, बेशक क्लाउड भी एक ऑप्शन है डेटा कंज्यूम करने के लिए और स्टोर करने के लिए, बट आप रियलाइज़ करेंगे कि क्लाउड एक रेकरेंट कॉस्ट है कंज्यूमर के लिए, और जिस हिसाब से कंज्यूमर अपना कैपेसिटी ग्रो करा, आप देखें जो नया हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो अब 5 TB तक अवेलेबल है जी। तो इतना कंज्यूमर कंटेंट क्रिएट करता है कि क्लाउड की लिमिटेशंस कभी कभार रहती हैं कि फ्री कैपेसिटी कितने गीगाबाइट तक अवेलेबल है जी। तो क्या आप अपना सारा कंटेंट क्लाउड पे एज अ कंज्यूमर होस्ट कर सकते हैं? परहैप्स नहीं। तो जुगाड़ों की कंट्री है, लोग 5-5 जीमेल आईडी खोल लेंगे और सब पे कुछ ना कुछ डेटा डालते रहेंगे। लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वेस्टर्न डिजिटल के, अगर हम बात करें कि आपके जो प्रोडक्ट रेंज है वो कितने रुपए से स्टार्ट होते हैं? देखिए, जो हम वेस्टर्न डिजिटल के आज जो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स की बात कर रहे हैं जी। तो उसमें प्रोडक्ट जो है हमारे 1 TB से लेकर 5 TB कैपेसिटी तक अवेलेबल है, और 1 TB आपका 4,299 से लेके आपका 5 TB 9,999 रुपये तक अवेलेबल है, डिफरेंट वेरियंट्स अवेलेबल जी। तो ये तो हो गया एक वेरिएंट जो हार्ड डिस्क में हो गया, जो आपने माई पासपोर्ट लॉन्च किया और मल्टीपल कलर ऑप्शंस में किया। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने हार्ड डिस्क लॉन्च किया है आज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क माई पासपोर्ट में, एक तो हो गया मेमोरी स्पेस, आपने 5 TB तक जा रहे हैं, इसके अलावा क्या ऐसा फीचर है जो इस टाइम मार्केट में और किसी हार्ड डिस्क में नहीं है? देखिए, आप कुछ सिंक की बात कर रहे थे डिजिटल डेटा को सेव करने। जी जी जी, एक एडिशनल फीचर जो हम लोगों ने प्रोडक्ट में अनाउंस किया है वो ये है कि आप आजकल सोशली हम लोग सब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, राइट, और सोशल मीडिया पे भी हमारा काफ़ी कंटेंट क्रिएट होता है और स्टोर भी होता है। जो नया फीचर प्रोडक्ट में ये है कि आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको हार्ड ड्राइव से सिंक करके, चाहे आप उस पर क्या भी कंटेंट आपने स्टोर किया हो या आप किसी ने टैग किया हो, तो आप वो स्टोर अपने हार्ड ड्राइव्स पे कर सकते हैं एज अ बैकअप जी। वो डायरेक्टली सिंक हो जाता है ऑटोमेटिकली जब आप कनेक्ट करते हैं। ओके, तो और इसमें कोई और इंटरफेस नहीं है, आपका सिस्टम, आपका नेटवर्क और आपका माई पासपोर्ट, बिल्कुल क्लाउड्स या किसी भी एक्सटर्नल नहीं के थ्रू नहीं गुजरता है, ये डेटा आपकी हार्ड ड्राइव पे आपके पास सिक्योर रहेगा। राइट, तो ये तो हो गई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की बात, जिसमें आप बोल रहे हैं कि आपके प्रोडक्ट से ऑलमोस्ट 2,000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं और गोइंग अप टू 10,000 एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इसके अलावा आपके पास और क्या प्रोडक्ट रेंजेस हैं और प्राइस रेंज क्या है? देखिए, प्रोडक्ट रेंज कंज्यूमर सेगमेंट पे तो हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट, अगर आप माइक्रो मोबाइल यूजर्स के लिए क्या रहेगा? मोबाइल यूजर्स के लिए तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जी। मोबाइल यूजर्स, आप देखिए, मोबाइल यूजर्स के लिए हमारे जो माइक्रो एचडी सॉल्यूशंस हैं वो अवेलेबल हैं ऑल द वे फ्रॉम 16 GB टू अराउंड 1 TB स्टोरेज में भी आपके माइक्रो एचडी कार्ड्स आए हैं जी। अगर आप देखें मेरे फ़ोन में, मेरे पास 512 GB का स्टोरेज लगा हुआ है जी, एक्सटर्नल स्टोरेज लगा हुआ है। सो मोबाइल फोन यूजर्स के लिए हमारा माइक्रो एसडी का जो भी वाइड पोर्टफोलियो अवेलेबल है। उसके अलावा मोबाइल फोन यूजर्स के लिए आप देखेंगे कि हमारी जो मोबाइल की पेन ड्राइव्स हैं, राइट, हमने जो प्रोडक्ट अनाउंस किए आज से कुछ साल पहले, मोबाइल की पेन ड्राइव जो डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन में कनेक्ट हो जाती है, चाहे आपके पास टाइप सी फ़ोन हो या आपके पास उसका पुराना वर्जन हो, तो हमारे डिवाइसेस जो हैं वो आपके मोबाइल पे डायरेक्टली कनेक्ट होके आप उसको अपने डिवाइस का बैकअप ले सकते हैं और वो अपने पीसी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। हम उसको ड्यूअल ड्राइव कहते हैं क्योंकि उसमें एक तरफ आपका यूएसबी है और एक तरफ आपका टाइप सी यूएसबी है और एक तरफ आपका स्टैंडर्ड यूएसबी है। आपके फोन में भी लगा सकते हैं और आपके पीसी में भी लगा के आप वो बैकअप और ट्रांसफर ले सकते हैं अपने डेटा। प्राइस रेंज क्या रहती है प्रोडक्ट से, कितने से स्टार्ट होता है और डिफरेंट कैपेसिटीज अवेलेबल है उसमें, कितने पे रहेगा? लोएस्ट हमारा जो, अगर आप देखें, माइक्रो एसडी कार्ड्स आर एनीवेयर बिटवीन 399 499 499 लो प्राइस पैकेट्स हैं, फिर डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी फिर वो ऊपर जाता है। राइट, इसके अलावा जो माइक्रो एसडी कार्ड एक जगह पे काफी यूज होते हैं वो है प्रोफेशनल कैमरास में। बिल्कुल, उनकी रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी और उनका स्पेशल फीचर्स क्या है? देखिए, जहाँ तक एसडी कार्ड्स का ताल्लुक है, एसडी कार्ड्स में भी हमारे पास पूरा पोर्टफोलियो अवेलेबल है। एसडी कार्ड्स में जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं उनका सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट ये होता है कि वो जो भी प्रोडक्ट यूज करें वो फास्ट हो, ताकि उनका लैग टाइम ट्रांसफर रेट अच्छा
अच्छा हो, लैग टाइम उनका कम हो जाए। और हमारा एंडेवर हमेशा ये रहता है कि उस सेगमेंट के लिए हम कंटिन्यूसली प्रोडक्ट एनहांसमेंट्स लेके आएँ। वो प्रोडक्ट रेंजेस अगेन कैपेसिटीज में डिपेंड करता है आप किस कैपेसिटीज में लें, बट दे रेंज फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 8799, 899 एंड अबाउट। राइट, आप आने वाले वक्त में क्या देखते हैं, लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को या पेन ड्राइव को छोड़ के क्लाउड की तरफ रुख करेंगे, या ये वाला मोमेंटम अभी कंटिन्यू रहेगा जब लोग फिजिकल ड्राइव्स यूज करेंगे डेटा स्टोर करने के लिए? मेरा पर्सनल ओपिनियन, हमारा ये ओपिनियन है ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च दैट जो हमने किया है, कि कंज्यूमर काफ़ी टाइम ऐसा डेटा क्रिएट करता है जो नहीं वो चाहता है कि पब्लिक क्लाउड्स पे अपलोड करेंगे, क्योंकि पर्सनल सिक्योरिटी की वजह से। और उसके बाद जो आपका प्राइम कंटेंट रहता है जो आप क्रिएट करते हो, उसमें काफ़ी कभी कभार काफ़ी कॉन्फिडेंशियलिटीज भी रहती हैं। तो हमारा ये है कि हमें लगता है कि एक पर्सनल हार्ड ड्राइव हमेशा विल कंटिन्यू टू बी अ मोर सिक्योर वायबल ऑप्शन फॉर अ कंज्यूमर दैट दे कैन कंटिन्यू ऑन। राइट, अब एक सवाल पूछते हैं, आपके प्रोडक्ट से जो मार्केटें मिलते हैं, आपके प्रोडक्ट दोनों मार्केट में मिलते हैं, ऑफलाइन में मिलते हैं, ऑनलाइन में मिलते हैं जी, और बहुत सारे कंज्यूमर्स को लग रहा है, खासकर पिछले 7-8 महीने से जब से अमेजोन फ्लिपकार्ट सब लोग हर 2 महीने में कोई ना कोई सेल कर ही रहे हैं, आपके प्रोडक्ट सेल पीरियड के टाइम पे काफ़ी अच्छे प्राइस से मिलते हैं ऑनलाइन में, लेकिन उसके बाद अगर हम बाकी टाइम की बात करें तो ऑनलाइन से बेटर आपके प्रोडक्ट प्राइसिंग जो मिलती है सेम प्रोडक्ट ऑफलाइन में ज़्यादा सस्ते मिलते हैं, ऐसा क्यों? देखें, हमारे लिए दोनों मार्केट्स इंपॉर्टेंट हैं, ऑफलाइन और रिटेल इक्वली इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं हमारे लिए दोनों। जहाँ तक ऑनलाइन के डिस्काउंटिंग पॉलिसी का ताल्लुक है, वो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक ऑनलाइन का प्रोरोगेटिव है। हमारा एंडेवर हमेशा ये रहता है कि हम अपने कंज्यूमर्स को चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों सेगमेंट्स में एक जो प्रोडक्ट है राइट प्राइसिंग और राइट अवेलेबिलिटी से प्रोड्यूस दे सकें। राइट, लेकिन क्या आपको इससे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग इससे निराश होंगे कि यार हम तो चाहते थे घर में बैठे बैठे प्रोडक्ट ले लें, लेकिन एक्चुअली निकलना पड़ रहा है बाहर मार्केट में, क्योंकि वहाँ पर वही प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट कभी कभी हमने भी चेक किया है 10-15% का प्राइस डिफरेंस आता है, तो इस चीज़ पे कुछ नकेल कसने की बात हो रही है, आर ट्राइंग टू कंट्रोल की जब सेल्स पीरियड को छोड़ दीजिए, उसके अलावा बाकी टाइम पे कुछ प्राइस डिस्पैरिटी ज़्यादा ना रहे? देखिए, जहाँ तक मार्केट का ताल्लुक है, हम लोग प्रेफर करते हैं कि जो मार्केट है उस पर प्राइसिंग के हिसाब से कोई कंट्रोल नहीं रखें। एक नॉर्मल डायनामिक्स रहता है एक मार्केट का, जिस हिसाब से मार्केट ऑपरेट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी, डिपेंडिंग अपॉन सर्टन डिफरेंट ज्योग्राफीज एंड पॉकेट, समटाइम्स देयर इज सम वेरिएशन, बट वी एज अ ब्रांड डोंट इन्वॉल्व आवरसेल्फ। राइट, आने वाले वक्त में क्या हम ये देख सकते हैं, क्योंकि जो डेटा मोबाइल में जितना डेटा होता है, क्या आप उसको हार्ड डिस्क में डाल सकते हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं? क्योंकि लॉट ऑफ ऑलमोस्ट 80% पीपल का सबसे पहले इंटरेक्शन अपना डिजिटल वर्ल्ड तक मोबाइल पे होता है, जिसमें आपके पिक्चर्स रहते हैं, बहुत सारा डेटा भी रहता है, आजकल तो इवन वीडियोज तक लोग एडिट और बनाते भी अपने मोबाइल पे। बिल्कुल, तो इसके लिए कुछ कर रहे हैं कुछ इंटरेस्ट? बिल्कुल कर रहे हैं, और साथ अगर वायरलेस ट्रांसफर, ब्लूटूथ ट्रांसफर, बिल्कुल वी हैव ऑल ऑफ दोस प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन आवर पोर्टफोलियो, दैट इज व्हाई आई सेड कि हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इतना वास्ट है कि यू विल फाइंड दैट दोस सॉल्यूशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट। एज फार एज मोबाइल के साथ डायरेक्ट ड्राइव कनेक्ट करने का, अगर आप हमारे एक्सटर्नल SSD प्रोडक्ट्स देखें, जो एक्सटर्नल SSD प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे, दे कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू योर मोबाइल फोन एज वेल, राइट? एंड इफ अगर आपको हायर कैपेसिटी स्टोरेज चाहिए, तो एक्सटर्नल SSDs आप ले सकते हैं जो आपके फोन में डायरेक्ट कनेक्ट होती है। हमारे पास वायरलेस डिवाइसेस भी हैं, थे इन द पास्ट, विच वी काइंड ऑफ वर्क्ड अराउंड, विच कैन कनेक्ट वायरलेसली टू योर डिवाइसेस एज वेल। ग्रेट, थैंक्स खालिद, थैंक यू वेरी मच, लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये वाली इंटरेक्शन तो समाप्त हुई है, लेकिन अगर आपके वेस्टर्न डिजिटल से जुड़े हुए कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, कोशिश करेंगे कि उनका जवाब आप तक पहुंचाएं, और अगर हमारे पास जवाब ना हो, वेस्टर्न डिजिटल के पास क्वेश्चन जाएगा, जवाब आएगा, आप तक मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा।